दोस्तों वेलकम बैक टू द कैपिटल एक्वायर और मैं हूं आपका होस्ट रोहित द्विवेदी। दोस्तों हम आज बात करेंगे एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में जिसका फंडामेंटल ही उस स्टॉक को बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनाएगा। क्या फंडामेंटल है ये बहुत जरूरी है। तो पहले स्टॉक का नाम जानते हैं। स्टॉक का नाम है एडवी कैपिटल, ठीक है। आप इसे बीएससी में इजिली सर्च कर पाएंगे, एडवी कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है इसका ओपन ऑफर। दोस्तों ओपन ऑफर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं। ओपन ऑफर सिमिलर होता है राइट इशू की तरह, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्या है मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है ओपन ऑफर में, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, इसके जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को, जो लोग इसमें परचेज करने वाले हैं, कि आप शेयर को करंट मार्केट प्राइस के नीचे बाय कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसका प्राइस चल रहा है 3 रुपीज या 4 रुपीज या 5 रुपीज, जो भी चल रहा है, जो ओपन ऑफर जब आता है, जो इसके शेयर होल्डर होते हैं इसको ऑफर करते हैं कि आप इसे 20% 15% 13% के नीचे के प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। डायरेक्टली आप परचेज करने से ही सीधे आप 25% 26% के गेन में आ जाते हैं। और कंपनी ने इसमें एडविक कैपिटल में सबसे अच्छी बात है कि 26% का मार्जिन दे रखा है। यानी कोई पर्सन इसको इन्वेस्ट करता है यहाँ पे फंड, तो सीधे उसे 26% का इमीडिएट प्रॉफिट हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस से। तो ये बहुत बड़ी न्यूज होती है। और ये चीजें क्यों की जाती है, कंपनी के फंड राइज करने के लिए और कंपनी के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो सारी चीजें और न्यूज मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और खासकर एडवी कैपिटल बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों इस पे इन्वेस्ट करने का। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ओपन ऑफर की, ठीक है। पहली चीज हम ये जानेंगे कि ओपन ऑफर होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एन ओपन ऑफर इज अ सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग का मतलब यह है कि जब कोई स्टॉक एनएससी या बीएससी मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद जो एक्शन अप्लाई की जाती है वो सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग कहलाती है। ये सिमिलर टू राइट इशू की तरह होता है, बिल्कुल मैंने बताया कि राइट इशू की तरह है। और इन एन ओपन ऑफर अ शेयर होल्डर, देखिए यहाँ पे समझिएगा, शेयर होल्डर अलाउड टू परचेस स्टॉक एट अ प्राइस That is lower than current market price. यानी for example किसी भी stock का price चल रहा है 5 रुपीज, for example, ठीक है। तो इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं ये अलाउ करते हैं स्टॉक को लोअर प्राइस पे बाय करने के लिए। यानी कि लोअर प्राइस, ये डिस्काउंट प्राइस पे आपको बाय करने के लिए ये आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं। इस ओपन ऑफर का सीधा मतलब यही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडवी कैपिटल ओपन ऑफर किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से दिया है और कितना बेनिफिशियल हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वो न्यूज़ जो जरूरी थी वो मैं आप लोगों के स्क्रीन के सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे जो जरूरी न्यूज थी जिसमें आया है पब्लिक अनाउंसमेंट टू द शेयर होल्डर ऑफ एडवी कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। अब बात करते हैं क्या न्यूज है। देखिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इन्होंने दिया है आर हियर बाई सबमिटिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाई अस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर विकास गर्ग एंड सीमा गर्ग। जो विकास गर्ग और सीमा गर्ग हैं कंपनी के शेयर होल्डर हैं एंड सुकृति गर्ग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके ये शेयर होल्डर की वैल्यू भी है कि इनके इतने शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं और इसके ऑनरशिप में हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कंस्टिट्यूटिंग 26% पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एडविक कैपिटल लिमिटेड। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि 26% का ये इक्विटी पेड अप करेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर ऑफ एडविक कैपिटल लिमिटेड। किसको, एडविक कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। अब ये न्यू इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज है कि 26% का पेड अप उनको मिल रहा है, उनको फायदा मिल रहा है। और ये चीज क्यों किया जाता है, सीधा सा मतलब इसका होता है कि फंड को राइज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, फंड राइज करने के लिए। ये जो राइट इश्यू होते हैं, जो ओपन ऑफर होते हैं, ये सिर्फ इसीलिए निकाला जाता है सेकेंडरी मार्केट में ताकि कंपनी का जो फंड हो वो राइज हो सके, बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी है। अब इन सारी न्यूज को आपको अगर किसी को पर्सनली जाके देखना है या डाउनलोड करना है तो आप सीधे सीधे रेडीफ मनी पे जाइए,
रेडिफ मनी पे जाइए और वहां पे आप एडवी कैपिटल लिमिटेड करेंगे और नीचे देखेंगे रिजल्ट्स में और वहां पे आप सर्च करेंगे तो ये सारा डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है एडवी कैपिटल लिमिटेड के लिए। तो जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं और जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्टॉक मिले जो बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडवी कैपिटल लिमिटेड की प्राइस जो अभी है 3.50 से 4 रुपीज के बीच में ट्रेड हो रही है और बहुत शानदार टाइम है आप लोगों को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और खासकर जब से ये न्यूज आया है ओपन ऑफर वाला तो बहुत शानदार होता है। और दोस्तों इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है जनरली होता है 15-20 डेज का होता है नॉर्मल में, तो ये इस ड्यूरेशन के बीच आप इस स्टॉक को परचेस करते हैं तो नो डाउट आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, जो न्यूज आने के बाद क्या हलचल हुई है मार्केट में, सबसे बड़ी चीज़ देखिए निफ्टी जो है 2.65% के आसपास डाउन है सेम डे पे। आज का जो डे है वो है 18 मई 2022, निफ्टी डाउन है 2.65%, बैंक निफ्टी डाउन है 2.48%। लेकिन जो न्यूज आई है उसकी वजह से आप देख रहे हैं एडवी कैपिटल का जो शेयर है 4.70% का गेन हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी कंपनी में इस तरीके के ऑफर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो स्टॉक का बढ़ना बिल्कुल तय है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस बताता हूँ किस तरीके से स्टॉक चला है। और देखिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितना चाहें उतने कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत बड़ा रिटर्न बना सकते हो एडवी कैपिटल के साथ। चलिए अब मैं आता हूँ इसके टेक्निकल्स पे, वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग इसके टेक्निकल्स पे आ गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए 2021 के स्टार्टिंग में इस शेयर की कीमत कितनी थी, 1 रुपये से भी कम थी, यानी कि 0.50 पैसा थी, 0.50 पैसे पे ये ट्रेड हो रहा था। अब देखो दोस्तों उसके बाद से सिर्फ 1 ईयर में किस तरीके से ये अप गया है, पूरी तरह से इसका ट्रेंड जो था वो अप था और मार्केट में ये ट्रेंड जो था वो पूरी तरह से अपसाइड था। एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, लास्ट 2 या 3 वीक से मार्केट गिरा है, स्टॉक की प्राइस जो है 6 रुपीज से गिर कर 3 रुपीज के नीचे आ गई, यानी कि 2.50 तक भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप के कंपेयर में जो मिड कैप या पैनी स्टॉक होते हैं वो बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.34 रुपीज सिर्फ 1 वीक में 2.80 से 3.34 रिकवर हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों करीब 10-12% की रिकवरी आपको सिर्फ 2 या 3 दिनों में देखने को मिली है। तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो उसे इजीली 1-3 डेज में 10-12% तक का रिटर्न मिल जाता। और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप देखेंगे 3.34 है, 1 वीक 2 वीक में ये प्राइस 5-7 रुपीज तक का होने वाला है। तो आपको टारगेट जो मिलने वाला है दोस्तों अपकमिंग फ्यू मंथ में वो मिलेगा 7 रुपीज से लेके 10 रुपीज तक का टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दोस्तों 2.10। स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर मेंटेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये पूरी श्योरिटी रहती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जिनको मेरा काम पसंद आया हो, जिन्हें लग रहा हो कि रियल में ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।